क्या बात है, हाई रिस्क हाई रिटर्न. यू टेक पंगा विद जॉनसन, यू टेक पंगा विद क्रिस गेल. ऑल द सो फार आई हैव बीन लकी, थोड़ा बच गया हूं अभी तक मैं. नहीं तो क्रिस गेल का, नहीं तो क्रिस गेल, फिर केल, सब उधर ही दिखते बॉल इधर उधर. करेक्ट, बट ही इज नॉट हिट यू अ लॉट. So far I've been lucky. I don't want to, you know, jinx it. Yeah. So far, you know, it should be this, like this throughout the throughout my career, I think. And you're fielding, yaar. You are like jaunty road now. Nahin, nahin. But ek aisa incident hai ke abhi aap senior level mein you've come to international level. So fielding ka jo level at international cricket is slightly different than domestic cricket. So ek Bangladesh ke samne I dropped a simple catch and uske baad I gave runs as well और match close हो गया, हम जीत गए. तो वो time से team का ये perception हो गया कि इसके पास ball गया तो pray करो कि ये ball आ जाए उसके पास. इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था. और मेरे को सब छुपाने ही देते थे कि इसको छुपाओ, इसको keeper के पीछे ही रख दो ऐसा. तो फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा hard work किया और अभी थोड़ा मेरा एक 70 मीटर से मैंने रन आउट भी किया बैट्समैन को. वेल डन यार. बट वो टाइम थोड़ा मजाक मुझे फनी लगता नहीं था, बट सबके लिए बहुत फनी था कि यार इसको छुपाओ इसको छुपाओ. बट हाँ, ये सब चीजें इज ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गेम. बेटर, यस. बट व्हाट इज योर नेम? जसप्रीत बुमराह इज योर नेम? एवरीबॉडी सेज बुमराह बुमराह. बुमराह आपका नाम ही है क्या? नहीं, ऐसा बहुत हुआ इंसिडेंट्स. गोरे लोग तो मुझे बुमराह ही बोलते, बुमराह भी नहीं बोल पाते, बूम बूम बोलते, क्योंकि उनको बोलना नहीं आ रहा. और फर्स्ट नेम तो उनका बोलना का चांस ही नहीं. बट यूजुअली ऐसा हुआ. एनीबॉडी कॉल्ड यू जसप्रीत? सिर्फ मेरे घर वाले शायद मुझे बुलाते हैं. यूजुअली दिस हैपेंड व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ रणजी ट्रॉफी गेम. अ यंग बॉय केम अप टू मी एंड ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि सर आपको घर पे भी सब बॉम्बे क्या बुमराह बुलाते हैं? तो बोला क्यों बुमराह? तो बोले सर आपका नाम बुमराह नहीं है. मैंने बोला माय नेम इज जसप्रीत, मेरे घर पे सब बुमराह है तो कैसे बुमराह बुलाएंगे. एंड देन थोड़े दिन बाद देयर वाज अ पुलिसमैन, ही केम अप टू मी एंड ही टोल्ड मी सर व्हाट इज योर नेम. आई सेड माय नेम इज जसप्रीत. बोले सॉरी सर, आई थॉट बुमराह दैट फास्ट बॉलर व्हिच इज देयर इन द इंडियन टीम, आई थॉट यू आर दैट. नो, आई एम नॉट दैट पर्सन. सो आई वेंट अवे. दीज थिंग्स हैपन. सो व्हाट्स योर निकनेम? माय निकनेम, देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ निकनेम्स दैट पीपल गिव मी. घर पे तो अभी मेरे को जसप्रीत बोल रहे हैं, बट माय चाइल्डहुड नेम इज जप्पी, व्हिच आई यूजुअली डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी. बट माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम यूज दिस नेम. बट यूजुअली बूम एंड ऑल ऑफ दैट इज माय नेम. बूम इज अ गुड. Should not be boom boom Afridi, because no, then you no, that is only one boom is okay. I don't want two booms. Nice. You seem to be a very nice guy. Did you ever sledge? I usually don't sledge. I try to do my own business. Ek bar an incident happened in IPL as well as in India. In IPL, I got AB de Villiers wicket and then I went crazy and said all kinds of things. But he didn't see. But wo andar ja ke usne TV pe dekha hoga. So then uske baad I got a lot of spanking or spraying from people that, you know, what is this? You're sledging AB, that he's our god. Who are you? First play international cricket. What do you think of yourself? Bola log zyada serious ho gaye ye baat ke liye. Main to itna seriously liya bhi nahi. Fir uske baad anyways I don't do a lot of sledging, so I was calm. So India A mein when I went to Australia, I was batting with Umesh Yadav. Hum log ka last wicket ka 100 runs ka partnership ho gaya. तो जेम्स फॉकनर कैप्टन था, ही वॉज वेरी एंग्री. तो आया, ही केम अप टू मी, सेड दैट यू आर स्केर्ड ऑफ द बाउंसर्स, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर अ यंग गाय. आई सेड इट्स ओके, बट रिमेंबर दीज लाइंस व्हेन आई बोल. तो व्हेन आई स्टार्टेड टू बोल, व्हेन ही वॉज बैटिंग, तो वो तो और भी डर रहा था मेरे से ज़्यादा. वो तो बैट्समैन होके ही वॉज रनिंग अवे. आई सेड व्हेन यू आर बैटिंग, व्हेन यू आर फील्डिंग, you were doing so much, you were speaking so much, now I'm not able to hear you. What is happening? So ye sab cheeze hai, but I usually don't like to sledge quite a lot. Better to be calm and because otherwise if you get angry and you start to spray away from the plan that, you know, आपको जो सोचा हुआ है वो तो आप छोड़ ही देते हो, गुस्से में कुछ भी कुछ करने लगते हो, तो फिर उसका repercussions बाद में हुआ, फिर बाद में वैसे भी गाली तो पड़ती है. तो वो चीजें हम सोच रहे थे.